तो आज मेरे पास दो फ़ोन है जिसमें आपको दो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में मेरे लिए आपको फ़ोन पे कंसंट्रेट नहीं करना है, इसमें मैं आपको यूआई कंपेयर करके दिखाऊंगा कि स्टॉक एंड्रॉयड जो होते हैं वो बढ़िया क्यों होते हैं, वो बेटर क्यों होते हैं किसी भी यूआई के कंपैरिजन में, चाहे वो वन यूआई हो, मी यूआई हो, रियलमी का यूआई हो, किसी फ़ोन का भी यूआई हो, स्टॉक एंड्रॉयड बेटर क्यों होते हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे पास दो डिवाइस हैं, एक में आपको स्टॉक एंड्रॉयड जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है एंड दूसरे में आपको वन यूआई का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। दोनों फोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन इंस्टॉल्ड है जो अवेलेबल है। इसमें आपको वन यूआई 3.1 देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड वर्जन 11 पे बेस्ड है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने को मिलता है। तो ये स्लाइटली डिफरेंट है, बिल्कुल हल्का सा स्टॉक एंड्रॉइड के कंपैरिजन में, लेकिन क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एंड्रॉइड 10 करंटली देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं आया है। काफी ऐसे लोग भी होंगे जिनको वन यूआई काफी ज्यादा बढ़िया लगता है कंपेयर टू एनी यूआई जो अवेलेबल है, मी यूआई हो गया, रियलमी का यूआई हो गया, स्टॉक एंड्रॉइड हो गया। वन यूआई के अपने फायदे हैं, इसका अलग ही एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोग दोनों फोन्स के स्टोरेज में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक डिफरेंस नोटिस होगा। जो वन यूआई है इसका अगर हम सिस्टम चेक करें तो इसने ऑक्यूपाई कर रखा है 16.17 GB एज यू कैन सी, एंड यही पे जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड, इसका अगर आप लोग सिस्टम ऑक्यूपाइड देखेंगे ये है 12 GB। हालांकि ये काफी ज्यादा है अभी, क्योंकि इसमें आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, प्योर स्टॉक एंड्रॉइड आपको केवल पिक्सल फोन में देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो सिस्टम ऑक्यूपाइड स्पेस है वन यूआई में काफी ज्यादा है, 16.17 GB। मेरे पास 128 वाला वेरिएंट है तो उसमें से 16 GB तो सिस्टम ने ही ऑक्यूपाइड कर रखा है। एंड यही पे जो स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला, इसके अंदर देखेंगे तो जो सिस्टम ऑक्यूपाइड है ये है 12 GB। अराउंड आपको 25% कम स्पेस मिलता है अदर डिवाइस के कंपैरिजन में, लेकिन अगर इसमें स्टॉक एंड्रॉइड होता ना, 12 GB में से बस 1 GB ऑक्यूपाइड करके रखता है स्टॉक एंड्रॉइड। तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस ले रखा है सिस्टम ने वन यूआई में। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग को पता है कि जो भी फोन्स अपने कस्टम यूआई प्रोवाइड करते हैं, चाहे रियलमी हो गया, सैमसंग हो गया, जितने भी फोन्स आते हैं जो अपने कस्टम यूआई के साथ आते हैं, उसके अंदर आपको ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ब्लोटवेयर मिल जाते हैं जिसको आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखेंगे जो वन यूआई है इसके अंदर आपको फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स, ये दोनों इनबिल्ट एप्लीकेशन की तरह मिलते हैं एंड इसको आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं अनइंस्टॉल का बटन नहीं है, यहाँ पे डिसेबल जरूर कर सकते हैं लेकिन अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। सेम आपको नेटफ्लिक्स के साथ मिलता है, इसको भी आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स का डिवाइस है मेरे पास, इसके अंदर आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पे माइक्रोमैक्स का कोई अपना खुद का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर सभी एप्स जितने भी प्रोवाइडेड है वो सारे गूगल के हैं एंड आप लोग लिटरली इसके अंदर हर एक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फेसबुक को यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, एज यू कैन सी ऊपर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया एंड यहाँ पे आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। आप लोग पूरे ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको ना इसका कुछ इनबिल्ट ब्राउजर मिलता है ना कुछ, सारा जो एप्लीकेशन है कुछ तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है एंड सारे इसमें आपको प्योर गूगल के एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, कोई फालतू एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता। यहीं पे सैमसंग के फोन में आपको गैलेक्सी थीम मिल जाता है, देन आपको गैलेक्सी स्टोर भी देखने को मिल जाता है। हालांकि आप लोग सैमसंग नोट्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन जो गैलेक्सी स्टोर है इसको आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते एंड ना ही इसको आप लोग डिसेबल कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ऐसे आपको कुछ कुछ ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं अदर डिवाइस में एंड यही ब्लोटवेयर आपके फोन का मेजर स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेते हैं जो आपको फ्री मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड में। स्टॉक एंड्रॉइड में कभी भी आपको कोई भी एड्स वगैरह नहीं दिखाई देंगी, हालांकि सैमसंग में भी एड्स पहले नहीं आती थी लेकिन अब मेरे को काफी जगह एड्स वगैरह दिखती हैं। जैसे ही मतलब इसके अंदर कोई नया अपडेट आता है, अपडेट इंस्टॉल करने के बाद फालतू के एप्स भी आपके साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। स्टॉक एंड्रॉइड में कुछ मतलब लिमिटेशन होती है, जैसे कि आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता जैसे कि अदर डिवाइस में मिलता है। यहाँ पे आप लोग वन यूआई में देखेंगे थीम सप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे सेटिंग्स में जाके काफी कुछ चेंज कर सकते हैं, होम ग्रिड, ऐप ग्रिड, फोल्डर ग्रिड, डिस्कवर जैसे मतलब काफी ज्यादा अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग स्टॉक एंड्रॉइड में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मतलब ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, ना ही अपने ग्रिड को कस्टमाइज कर सकते हैं, ना ही अलग अलग थीम्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कस्टम। हालांकि स्टॉक एंड्रॉइड में भी कुछ आपको मतलब कस्टमाइजेशन दी जाती है लेकिन बहुत हल्की फुल्की होती है। इसका आप लोग नोटिफिकेशन पैनल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब काफी ओल्ड लुकिंग है, आपको उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगेगा। लेकिन यही पे सैमसंग का देखेंगे तो एडवांस सा लगेगा, यूनिक सा लगेगा देखने में। तो काफी लोगों को कस्टमाइजेशन पसंद आता है एंड काफी लोगों को प्योर स्टॉक एंड्रॉइड पसंद आता है। तो ऐप क्रैशेस वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगी आपको कस्टम यूआई में, जैसे कि वन यूआई हो गया, वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस हो गया, ये स्टेबल यूआईज है जिसमें आपको बहुत कम क्रैशेस वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एमआई की बात करें, रियलमी की बात करें, ओप्पो, वीवो, इन सभी में आपको भर भर के क्रैश एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो यही ऑप्टिमाइजेशन की दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड में कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन इसमें आपको कस्टमाइजेशन बिल्कुल नहीं मिलती, हल्की फुल्की मिलेगी। आप लोग यहाँ पे बस आइकन के शेप्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते एंड यही पे आप लोग वन यूआई में काफी कुछ चेंज कर सकते हैं, थीम्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, थीम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, आइकन साइज चेंज
कर सकते हैं, फोल्डर ग्रिड चेंज कर सकते हैं, मतलब भर भर के कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है कस्टम यूआईज में। एंड जो स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन होते हैं उनकी मेमोरी मैनेजमेंट काफी बढ़िया होती है। एंड्रॉइड वो गूगल का है एंड गूगल अपने एप्लीकेशन को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज रखता है अपने यूआई को लेके, मतलब स्टॉक एंड्रॉइड को लेके। एंड यहीं पे जो अदर यूआईज है उनको दोबारा से अपने एप्लीकेशन वगैरह को मतलब ऑप्टिमाइज करना पड़ता है अपने अपने यूआई के अकॉर्डिंग, नहीं तो क्या होता है कि एप्लीकेशन क्रैश वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको MIUI में भर भर के एप्लीकेशन क्रैश देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने तरीके से मैंने आपको थोड़ा बहुत कंपेयर करके दिखाया, अगर मेरे से कुछ भी पॉइंट्स वगैरह रह गया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। एंड आप लोग क्या ज्यादा पसंद करते हैं, आपको स्टॉक एंड्रॉइड ज्यादा अच्छा लगता है, आपको वन यूआई ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर आपको कौन सा यूआई ज्यादा अच्छा लगता है, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money.